अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रस्म लाइफस्टाइल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और सब लोग खुश होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बेसिक स्पॉन्ज केक, जो हम केक बनाने के लिए, वेनिला केक बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, पेस्ट्रीज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए लिया है 1 कप रिफाइंड फ्लावर, 4 eggs लिए हैं और 1 कप ही लिए कास्टर शुगर। इन केस आपके पास कास्टर शुगर नहीं हो तो आप नॉर्मल जो शक्कर होती है उसको पीस कर और छान लें, तो ये भी वैसे ही वर्क कर जाएगी। वेनिला एसेंस लेंगे और बेकिंग सोडा लेंगे और बेकिंग पाउडर लेंगे। ये इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे हमको एक नॉर्मल स्पंज केक बनाने के लिए, जो बेसिक होता है स्पंज केक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्स को बीट कर लेंगे। और बस अब इसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। स्लो स्पीड से बीट करना स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी स्पीड को बढ़ाते रहेंगे। इस स्टेज पर इसमें थोड़ी थोड़ी सी शुगर लाते रहेंगे। बस अब लास्ट की भी शुगर मिला लेंगे इसी में। ये देखिए, इसको इस स्टेज तक बीट करेंगे। ये इस स्टेज तक कि इसमें एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर आए, इस स्टेज तक इसको बीट करना है। अब ये जो रिफाइंड फ्लावर लिया हुआ था इसमें मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो इसमें बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 teaspoon जितना, ये बहुत छोटा सा स्पून है तो इतना बेकिंग पाउडर ले रहे हैं। और ये फ्लावर को पहले हमने सीव कर लिया था, इससे इसमें भी थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो आप एक दो बार इसको सीव कर लीजिएगा। और इसमें 1 pinch के जितना बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1 pinch बेकिंग सोडा। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके ये जो एग्स बीट करके रखे हुए हैं इसमें मिलाते रहेंगे। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे वेनिला एसेंस, क्योंकि हम लोग ये बेसिक वेनिला केक बना रहे हैं। ये 1/2 teaspoon जितना है तो इसमें मैंने ये 2 डाले हैं, तो आप ये समझिए कि 1 measuring teaspoon जितना डाला है इसमें वेनिला एसेंस। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड फ्लावर डाल के मिक्स करते रहेंगे। बस अब ये जो लास्ट में बचा है ये भी सब इसके ऊपर डाल लेंगे। इसको हल्के ही हाथों से मिक्स, अब इसे तरह का एक ले लिया है जिन हमने बेक करने के लिए, और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और ये जो बैटर बनाया हुआ है वो सब इसमें ट्रांसफर कर लेंगे।
इसको बस हल्का सा टैप कर लेंगे हर तरफ से। और मैंने ओवन को रख दिया है प्रीहीट होने के लिए 180 डिग्री पे, 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट किया है और अब ये टिन उसमें चला जाएगा। ये देखिए, ये बेसिक स्पंज केक रेडी है। इसको बीच से कट कर लिया है और अब इसको डेकोरेट कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे कुछ यम्मी रेसिपीज और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।